आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें तरह तरह के मसाले और हर्ब्स डालते हैं। भारतीय खानपान में जो मसाले प्रयुक्त किए जाते हैं, उनमें लगभग हर मसाला अपने आप में एक आयुर्वेद की औषधि है। आमतौर पर मसालों में हमारे यहाँ हल्दी, मिर्च, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची, जीरा, अजवाइन, मेथी, प्याज, अदरक और लहसुन को शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मसाला सबसे ज्यादा हेल्दी है, तो शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। यदि हर्ब्स की बात करें तो इनमें से लहसुन एक ऐसा हर्ब है जिसमें सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसलिए आज हम आपको लहसुन के फायदे बता रहे हैं। लहसुन एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल आपने अपने बचपन से ही घरों में सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी जैसी समस्याओं में करते हुए देखा होगा। ये तो थे वो फायदे जो इंसानों ने अपने प्रयोग और समझ के आधार पर हजारों सालों में ढूंढ लिए। मगर यदि मेडिकल साइंस की रिसर्च की बात करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि लहसुन में इतने बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाते हैं। अमेरिकन फैमिली फिजिशियन के अनुसार आमतौर पर एक व्यक्ति को एक दिन में 4 ग्राम यानी कि 1 से 2 कली लहसुन जरूर खाना चाहिए। अपनी डाइट में रोजाना 2 से 4 कली लहसुन को शामिल करने से आपको ढेर सारे फायदे मिल सकते हैं। चलिए विस्तार से अब फायदा जानते हैं। लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लहसुन के सेवन से ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रहता है, इसलिए अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसका सेवन करते हैं तो उन्हें ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में एक बड़ी समस्या बन चुकी है जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए रोजाना लहसुन खाने से आपको इन बीमारियों का खतरा कम रहता है। अगला है कोलेस्ट्रॉल होता है कम। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में जमा होकर धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे दिल के दौरे और मस्तिष्क तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता। इसी कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट आदि के साथ साथ स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। यदि आप रोजाना 2 से 3 कली लहसुन खाएं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और इन बीमारियों का खतरा टलेगा। बात करते हैं अल्जाइमर और डिमेंशिया के रोगियों के लिए। अल्जाइमर और डिमेंशिया दोनों ही दिमाग की बीमारियां हैं। इनका खतरा 50 की उम्र के बाद बढ़ जाता है। इन बीमारियों के कारण व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और उनके सोचने या निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। लोग इन्हें दरअसल बुढ़ापे का लक्षण मान लेते हैं, मगर यदि आप रेगुलर लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। दरअसल लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं और जिससे आपकी मस्तिष्क कोशिकाएं धीरे धीरे बूढ़ी होती हैं और आप ज्यादा लंबा समय स्वस्थ जीवन जीते हैं। हेल्थ लाइन के अनुसार लहसुन के रोजाना सेवन से आप ज्यादा लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इस बात का कोई खास वैज्ञानिक आधार नहीं है, मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं। ऐसे में अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन बीमारियों का खतरा कम होता है और आप तार्किक रूप से ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बात करते हैं शरीर की सफाई की। जी हाँ, लहसुन में सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सल्फर एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके अंगों को धातुओं के जहरीलेपन से बचाता है, जिससे अंग डैमेज नहीं होते। दरअसल आजकल के गलत खानपान और प्रदूषण के कारण हमारे शरीर में कई तरह के ऐसे पदार्थ पहुंच जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें ही टॉक्सिन्स कहते हैं। आजकल पैकेटबंद आहारों के ज्यादा सेवन करने के कारण लेड जैसी धातुएं शरीर में पहुंच जाती हैं और शरीर का नुकसान करती हैं। मगर रिसर्च बताती है कि रेगुलर लहसुन का सेवन करने से इस तरह के तत्व आपके शरीर से डिटॉक्स होते हैं और शरीर के अंग स्वस्थ रहते हैं। ये था आज का लहसुन का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका आभार, लेकिन जो किसी कारणवश अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह के आयुर्वेद नुस्खे और तरीके जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.आयुर्वेदसमाधान.com।